नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 3ds Max ट्यूटोरियल के नेक्स्ट लेसन में। इसमें मैं आज आपको बताने वाला हूँ नॉइस मॉडिफायर के बारे में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अब नॉइस मॉडिफायर जो हमारा होता है वो एक्चुअल में पहले मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है और फिर यूज कहाँ कहाँ पे होता है वो भी फिर मैं आपको बता देता हूँ। मान लो मेरे पास एक स्फीयर है, मैं यहाँ से एक स्फीयर यूज कर रहा हूँ। स्फीयर को मैंने क्लिक किया और इस पे एक मॉडिफायर लगाया नॉइस। यहाँ पे नॉइस मैंने लिया। नॉइस मॉडिफायर बेसिकली क्या करता है, एक बॉक्स बना देगा इसके चारों तरफ जिस भी टाइप की आपकी शेप होगी और उसको फिर आप 3 एक्सिस के अकॉर्डिंग प्रेशर दे सकते हैं। प्रेशर का मतलब है कि एक्स एक्सिस में कितनी स्ट्रेंथ आपको देनी है आप उतनी स्ट्रेंथ दे सकते हैं। देखो जितनी भी एक्स एक्सिस में आप स्ट्रेंथ देंगे उसी के अकॉर्डिंग इसकी शेप चेंज होनी स्टार्ट हो जाएगी। वाई एक्सिस में आप अपनी स्ट्रेंथ का यूज कर सकते हो। मान लो आपने यहाँ पे दी 10 की स्ट्रेंथ, वाई में भी 10 की दी और जेड में भी आपने 10 की, तीनों साइड आपने 10 10 की स्ट्रेंथ दी, बट आपको इफेक्ट कुछ नजर नहीं आया। आप अपनी स्ट्रेंथ को और इंक्रीज कर सकते हो, आप इसे 30 30 30 कर सकते हो 30। देखो हल्का सा इफेक्ट नजर आया। मान लो स्ट्रेंथ आपने नहीं दी, आप स्केल को कम करोगे तो देखो वो इफेक्ट आपका डबल होना स्टार्ट हो जाएगा, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा ऐसे कुछ। अगर आप सीड को 1 1 करके टर्न करोगे तो उस प्रेशर के अकॉर्डिंग कितनी शेप्स आपकी बन सकती है वो आपको शो करेगा। अब यहां से आप स्ट्रेंथ को इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं, अपनी स्ट्रेंथ को जैसे भी आप चाहते हैं तो वैसे ही वो शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। मान लो आपने स्केल ज्यादा किया, इतने में ये वाला इफेक्ट आ रहा है। आप इसे फ्रैक्शनल भी कर सकते हैं, आप इसे फ्रैक्टल भी कर सकते हैं। क्लिक करेंगे तो इफेक्ट आपका रफनेस आप इंक्रीज कर सकते हैं इसमें जितनी आपको रफनेस चाहिए, और आप इसके अंदर इटरेशन इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं ताकि वो स्मूथनेस उसके अंदर बनी रहे। आप इसे ऑफ भी कर सकते हैं, आप इसके स्केल को जितना कम करेंगे तो इस टाइप की आपकी शेप बन जाएगी। क्लियर। अब इस शेप का क्या मतलब है कि आप इस शेप पे मान लो आपको स्टोन चाहिए तो आप इस पे स्टोन का मटेरियल लगा सकते हैं डायरेक्टली, अगर आपको स्टोन का मटेरियल इस पे लगाना है। या फिर ये तो चलो बात हुई स्फीयर की, और यहाँ पे आप एनिमेट भी कर सकते हो अपने सीन को, कितने फेस पे आपको क्या कुछ चाहिए। अगर आप यहाँ से एनिमेशन प्ले करोगे तो वो एनिमेट भी करेगा, अगर आप यहाँ से प्ले करते हो तो ऐसे वो एनिमेशन भी आप इसके अंदर डाल सकते हो। वाटर एनिमेशन आप इसके अंदर डाल सकते हो अगर आपको पानी बनाना है तो। ये तो बात हुई स्फीयर पे। मान लो आपको वाटर इफेक्ट दिखाना है या फिर आपको जैसे आपका रेगिस्तान टाइप में एरिया होता है, ऊपर नीचे पहाड़ियां होती है, वो आप दे सकते हो। जितने ज्यादा सेगमेंट रहेंगे उतनी ज्यादा आपकी स्मूथनेस रहेगी, ये आप ध्यान रखें। और यहाँ पे मैंने नॉइस कमांड लिया। अब इसमें देखो 3 एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अगर मैं एक्स एक्सिस में इंक्रीज करता हूँ इसकी वैल्यू को तो देखो कैसे इफेक्ट पड़ेगा। अगर मैं वाई एक्सिस में इसकी वैल्यू को करता हूं तो देखो कैसे इफेक्ट पड़ेगा। बट अब वो वाला इफेक्ट मेरे को तब आएगा जब मैं जेड एक्सिस में इसकी वैल्यू को इंक्रीज करूंगा, क्योंकि जेड एक्सिस में करूंगा तो कुछ इस टाइप का मेरे पास यहाँ पे इफेक्ट नजर आएगा। उसके बाद है अगर मैं शीट को करूंगा तो उसके अकॉर्डिंग मेरे को शो करेगा कैसे कैसे इफेक्ट आ सकता है, और अगर स्केल को मैं डाउन करता हूं तो कुछ इस टाइप का मेरे पास इफेक्ट आएगा। मान लो मेरे को कुछ इस टाइप का ही डेजर्ट चाहिए तो आप ऐसे रख सकते हैं और इसको आपका डेजर्ट स्टैंड वाला मटेरियल डाल सकते हैं। क्लियर दोस्तों। तो आपको इसके अंदर मटेरियल अगर डालना है तो मटेरियल डाल सकते हो, ऐसे ही अगर आपको वाटर बनाना है तो इसमें पानी का मटेरियल आप डाल सकते हो। ठीक है, आप इसे एनिमेट भी करोगे पानी का मटेरियल डाल के तो आप इसके अंदर एनिमेशन भी डाल सकते हो वाटर का, तो ये आपको एनिमेशन में भी वाटर का यहाँ पे शो हो जाएगा। वही आप फ्रैक्टल वगैरह को अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर करके देख सकते हैं। जैसे जैसे भी आप इसे करते चले जाएंगे वैसे वैसे आपको पता चलता चला जाएगा कि ये किस तरीके से काम करता है। ठीक है, इसकी हेल्प से आप क्लॉथ भी बना सकते हो। मान लो आप कहीं पे कर्टेन बना रहे हो तो आप फ्रंट में जाके आप इसको प्लेन को ऐसे यूज कर सकते हो, और या फिर जैसे यही प्लेन है आप इसको फ्रंट में आप यहाँ से यूज कर सकते हो, तो आप इसे यहाँ से 90 डिग्री पे आप इसे प्लेस करें, कुछ इस टाइप में आपका प्लेस हुआ लेफ्ट साइड में जाके, फिर आप इसे जैसे सिलेंडर हो गया, सिलेंडर की हेल्प से एक आप एक रोड बना सकते हो यहाँ पे ताकि वो ऐसा लगे आपका कि जैसे एक रोड पे है, और आप इसे हाइट दे दें यहाँ पे।
तो ऐसे आप अपना एक कर्टन बना सकते हो, अगर आपको कर्टन बनाना है यहाँ पे इस टाइप में, तो नॉइस इफेक्ट आपको वहां वहां पे आप यूज कर सकते हो जहां जहां पे कुछ इस टाइप का इफेक्ट आप दिखाना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल वाटर में दिखा सकते हो, डेजर्ट एरिया में दिखा सकते हो, या फिर आप कुछ स्टोन टाइप में आपको बनाना है इस टाइप में आप नॉइस इफेक्ट दिखा सकते हो। तो इस टाइप का आपको कोई भी इफेक्ट चाहिए तो नॉइस मॉडिफायर आप यूज कर सकते हो, और उसको वहां पे अपने अकॉर्डिंग नॉइस मॉडिफायर को कहीं पे भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये था नॉइस कमांड। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आने वाला हूँ। थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.